एक तरफ देश आज शरद पूर्णिमा का पर्व मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस खास मौके की रात के समय में साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। चमकीली चांदनी के लिए जाने जाने वाला शरद पूर्णिमा का चांद आज मध्य रात्रि में अपनी चमक खोता हुआ दिखाई देगा। पृथ्वी से इस समय लगभग 3,69,485 किलोमीटर दूर स्थित चंद्रमा आंशिक चंद्र ग्रहण की घटना के कारण कुछ ही घंटे पृथ्वी के समय साय में रहेगा। वही आपको बता दें कि इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत उपछाया ग्रहण से 28 अक्टूबर की रात 11:31 के कुछ बाद होगा, लेकिन महसूस होने वाला आंशिक ग्रहण मध्य रात्रि के बाद 1:05 पर आरंभ होगा और रात्रि 1:44 पर अधिकतम ग्रहण की स्थिति होगी। यह आंशिक ग्रहण रात लगभग 2:23 पर समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी उपछाया ग्रहण तो चलता रहेगा जो कि पूरी तरह से 3:57 पर समाप्त होगा। दरअसल वैज्ञानिक रूप से ग्रहण की कुल अवधि 4:25 होगी, लेकिन महसूस करने वाले आंशिक ग्रहण की कुल अवधि 1:17 होगी। बता दें कि पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच होता है तो इसके द्वारा सूर्य का प्रकाश रोक लिया जाता है और सूर्य का पूरा प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, अर्थात चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है जिसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया में होता है तो उस समय उपछाया ग्रहण होता है। जब चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की घनी छाया वाले भाग में आता है तो आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। इस बार दोनों स्थितियां बन रही हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण की ये घटना भारत के साथ साथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका सहित हिंद महासागर के अधिकांश भागों से देखी जा सकेगी। इस तरह गणितीय अनुमान के अनुसार उपछाया ग्रहण का कुछ न कुछ भाग इस विश्व की लगभग 92.14% जनसंख्या और आंशिक ग्रहण को 87.7% जनसंख्या देख पाएगी। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि उपछाया ग्रहण, आंशिक ग्रहण आदि का आरंभ कब और किस समय होगा। दरअसल उपछाया ग्रहण का आरंभ 28 अक्टूबर 11:31:48 पर होगा। इसी के साथ ही आंशिक ग्रहण का आरंभ 28 अक्टूबर 1:05:25 पर होगा। अधिकतम ग्रहण का शुरुआत 29 अक्टूबर 1:44:05 पर होगा। आंशिक ग्रहण समाप्त होगा 29 अक्टूबर 2:22 पर और 40 सेकंड पर। उपछाया ग्रहण समाप्त होगा 29 अक्टूबर 3:56 और 25 सेकंड पर। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 4:25 होगी। आंशिक ग्रहण की कुल अवधि 1:17 होगा।